नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये मोगरा का फूल है और आज की इस वीडियो में हम इसी मोगरे के फूल की केयर के, कंपोस्टिंग के, मिट्टी आदि सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मोगरा का फूल जो है अभी पौधा अपनी फ्लॉरिंग स्टेज पर चल रहा है, लगभग सभी के यहाँ मोगरा में फूल आ रहे होंगे, तो उन्हें उनकी केयर कैसे करें कि ये सेकेंड टाइम हम इससे फ्लॉरिंग्स ले रहे हैं। इसके बाद अब इसमें देखिए बड्स कम हो गए हैं, ना के बराबर हैं, तो चौथी बार इससे फ्लॉरिंग लेनी है हमें, तीसरी बार सॉरी, तो उसके लिए हमें इसे कैसे रेडी करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या कुछ इसकी केयर हमें करनी है, तो सारी चीज़ें वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिए, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाऊं अपना मोगरा प्लांट। ये आप देख पा रहे हैं ये मेरा 12x12 इंच के प्लास्टिक ग्रो बैग में लगा हुआ है और ये मेरा करीब 1 साल ही पुराना पौधा है। तो पिछले साल हमने सर्दियों में इसकी प्रूनिंग कर दी थी, आप देखिए ये प्रूनिंग्स हैं और प्रूनिंग के बाद इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है निकल के। और अभी चूंकि मैं इसकी फिर से प्रूनिंग की आवश्यकता है, लेकिन अभी इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, बड्स ढेर सारे थे तो हमने प्रूनिंग नहीं करी, तो अब चौथी बार तीसरी बार फ्लॉरिंग के लिए इसे तैयार करना है, तो इसकी कुछ केयर की जाएंगी। हालांकि इसे रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब ये बड्स दे रहा हो, फ्लॉरिंग स्टेज में हो, तब इसे रिपोर्ट ना करें। जब ये अपनी फ्लॉरिंग स्टेज कंप्लीट कर ले तब इसे रिपोर्ट करके इसकी गमले से निकाल के इसकी रूट्स प्रून करके फिर से वापस से गमले में लगा सकते हैं। तो दोस्तों जो पहली चीज़ है कि मोगरा के प्लांट के लिए जो काफ़ी जो है फीड की आवश्यकता होती है, इसमें मोगरा का प्लांट हाई फीडिंग प्लांट है जिसमें हमें कंपोस्टिंग वगैरह की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो इसके लिए हमने देखिए जो पहली चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ग्रो बैग है, आप इसको 12 इंच 10 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं, ईजिली ये सर्वाइव करता है। दूसरी चीज़ की जो उसकी मिट्टी हो आप जितनी अच्छी हो सके भुरभुरी बनाएं और वेल ड्रेन्ड जिसमें पानी जमा ना हो, और दूसरे ड्रेनेज सिस्टम उसका काफ़ी अच्छा हो और न्यूट्रिएंट से भरपूर मात्रा में मिट्टी होनी चाहिए आपकी। तो जो मिट्टी बनेगी, मैं जो मिट्टी बनाता हूँ या जो जिस मिट्टी में मैंने इसे लगा रखा है, इसमें मेरी है 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 40% वर्मी कंपोस्ट, 10% बोन मील, ये मिट्टी हो गई। इसके अलावा हमने एक मुट्ठी सरसों खली, एक मुट्ठी नीम खली, एक मुट्ठी हमने इसमें डाल रखी है राख, और इन सब चीज़ों को मिला के हमने ये मिट्टी तैयार की हुई है। और इसके अलावा हर महीने जब ये पौधा फ्लॉरिंग स्टेज पे आता है तो इसको हर महीने लिक्विड फर्टिलाइजर अलग से दिया जाता है। तो लिक्विड फर्टिलाइजर आप कुछ भी दे सकते हैं, सरसों की खली के लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, आप इसको दे सकते हैं केले बनाना पील फर्टिलाइजर, ऑनियन पील फर्टिलाइजर, वर्मी कंपोस्ट की टी, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसे दे सकते हैं। बस हर महीने इसे लिक्विड फर्टिलाइजर महीने में एक बार, और उसके अलावा जब फ्लॉरिंग स्टेज पर पौधा है तो उसकी एक स्पेशल हम देंगे कंपोस्ट, जिससे कि इसमें और अच्छी ग्रोथ आए और अच्छी बड्स फ्लावर्स आए। तो वीडियो में आखिर तक बने रहेगा, मैं आखिर में बताऊंगा कि वो कौन सी कंपोस्ट है जिसे हमें इसमें अभी देना है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हो गई मिट्टी और पॉट, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इस पौधे को सनलाइट कितनी चाहिए। तो ये हार्डी प्लांट है, इसे दिन भर में कम से कम 6 घंटे की सनलाइट इस गर्मी के मौसम में भी चाहिए होती है, उसमें ये अच्छा रिस्पॉन्स देता है। अगर आप इसे सनलाइट नहीं देंगे तो आपका पौधा रिस्पॉन्स नहीं देगा उतने अच्छे से और फ्लॉरिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। हो सकता है ग्रोथ तो आए पर फ्लॉरिंग ना आए, तो इसे कम से कम 6 घंटे की सनलाइट दिन में ज़रूर दिखाइए। तो दोस्तों अब ये होगी इतनी सारी चीज़ें, अब मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो फ्लावर्स हैं मैंने काफ़ी सारे रिमूव कर दिए, जो सूखे हुए हैं जो बचे उन्हें हटा लें। तो ये देखिए ढेर सारे फ्लावर्स थे, इन्हें मैंने हटा लिया, और ये एक टहनी मेरी काफ़ी गर्म हवा चली थी उससे सूख रही है, तो इसे भी मैं प्रून करके हटा दूंगा। अब दोस्तों इसकी प्रूनिंग मैं बता दूं आपको, अभी जिन ब्रांचेस पे मेरे बड्स लग रही हैं उनकी तो मैं प्रूनिंग नहीं करूंगा, पर जिस पे बड्स नहीं हैं उनकी हम प्रूनिंग भी साथ साथ कर लेंगे, जिससे इसमें और भी ग्रोथ आएगी और नई नई ब्रांचेज आएंगी और उन ब्रांचेज में ढेर सारे फ्लावर्स लगेंगे।
तो इनकी प्रूनिंग भी आवश्यक है। और दोस्तों ये देखना जरूरी है जिसमें बर्ड्स ना हो, क्योंकि फ्लावर्स इसके काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत ही फ्रेग्रेंस, अच्छी फ्रेग्रेंस आती है इसमें फ्लावर्स से। ये देखिए, तो इसे हमने इस प्रकार कर दिया है प्रून, और अब इसमें हम देंगे कंपोस्ट, क्योंकि जब हम इसमें कंपोस्टिंग करेंगे तो इसकी ग्रोथ और अच्छे से निकल के आएगी। और जो हमने प्रूनिंग करी है, इसको चाहे तो आप कटिंग्स लगा सकते हैं इसकी। तो कंपोस्टिंग करने का जो सही तरीका है दोस्तों, मैं बताऊं, पहले आपको इसकी हल्की गुड़ाई कर लीजिए मिट्टी की। ये देखिए इस प्रकार से मिट्टी को हल्का कर लीजिए, और मिट्टी को हल्का करने के बाद आप इसमें से साइड साइड से इसकी जो मिट्टी है उसे किसी चीज़ में निकाल लीजिए। देखिए टब है हमारा, इसमें हमने साइड साइड की जो मिट्टी है उसे निकाल लेनी है। देखिए मिट्टी हमें उतनी निकालनी है कि हमें रूट्स जो फीडर रूट्स हैं ये दिखाई देने लग जाएं। ये देखिए कितनी हेल्दी फीडर रूट है इसकी। तो इतनी मिट्टी हमने इसकी साइडों से निकाल लिया है, अब हम इसमें देंगे कंपोस्ट। तो अब बात करते हैं हमें कंपोस्ट देना क्या है। तो आ जाते हैं हम कंपोस्ट पर, मैं आपको दिखाऊँ। जो सबसे मेन कंपोस्ट है वो मैं दे रहा हूँ, ये देखिए, ये नीम से नीम खली और वर्मी कंपोस्ट को मिला के केंचुआ खाद बना के वर्मी कंपोस्ट तैयार किया गया है। इसमें आपको लगभग सभी जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, तांबा, लोहा, जिंक, सल्फर, जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं लगभग वो सभी इसमें मिल जाते हैं आपको। ये मेरे को 75 रुपये का 1 kg पड़ा है, आप अपने यहाँ पास के नर्सरी स्टोर पर जाके पता कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो इसको मैंने ले लिया है करीब 300 से 400 ग्राम, आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है ये। तो इसमें चूंकि सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन फिर भी हम इसके अलावा इसमें हम लेंगे करीब एक मुट्ठी डेढ़ मुट्ठी बोन मील, एक डेढ़ मुट्ठी के आसपास बोन मील लेंगे, चूंकि फास्फोरस की मात्रा, सॉरी, पोटेशियम की और फास्फोरस की मात्रा हमें फ्लावरिंग स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा चाहिए। और जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए हम लेंगे इसमें मैग्नीशियम, एप्सम सॉल्ट, MgSO4 करीब 1 चम्मच के आसपास, उसकी मात्रा हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हम मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने मिला लिया अच्छे से, और अब इस गमले में हम चारों तरफ से इसे एक एक मुट्ठी करके डाल देंगे, फैला देंगे गमलों में चारों तरफ। दोस्तों मैं बताऊं, इसको तो डालना आवश्यक है, ही है, जरूरी है, काफ़ी मात्रा में अच्छी हैवी फीडर प्लांट है ये। तो ये इसको हमें कंपोस्टिंग फ्लावरिंग लेने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए इसमें अच्छी कंपोस्टिंग भी करना आवश्यक है। तो इस प्रकार देखिए हमने इसमें चारों तरफ डाल दिया, और वापस से जो मिट्टी हमने इसकी निकाली थी उस मिट्टी से इसे कवर कर देंगे। तो मैं बताऊं दोस्तों, ये तो हमने कर दिया है ड्राई कंपोस्ट, इसके अलावा हमें महीने में कम से कम एक बार इसमें लिक्विड कंपोस्ट भी देना बहुत ही आवश्यक होता है। तो लिक्विड कंपोस्ट में मैंने आपको बताया, आप बनाना पील फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट से बनी टी, या जो घर के वेस्ट निकलते हैं किचन से उससे बना के लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं आप।
सरसों खली। तो लिक्विड कंपोस्ट कैसे बनाना है इसका डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, बनाना पील से या वर्मी कंपोस्ट से टी कैसे बनाना है, तो आप मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, उन्हें जाके देख सकते हैं और उन्हें बना के इस पौधे में दे सकते हैं, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ और फ्लॉरिंग दोनों इन्हेंस होगी। और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि ये चीज़ें करने के बाद आपको बरसात या सर्दियों की शुरुआत तक इस पौधे में काफ़ी अच्छी फ्लॉरिंग देखने को मिलेगी। तो ऊपर से करीब 1-1.5 इंच की स्पेस हम खाली छोड़ेंगे और उसके बाद इतनी मिट्टी हमने डाल दी है। अब इसमें हमने कर देनी है वाटरिंग, और वाटरिंग हमने करनी है पर्याप्त मात्रा में, कि जितनी भी मिट्टी है गमले की पूरी गीली होनी चाहिए। तो देखिए हमने अब वाटरिंग करेंगे तो जो हमने कंपोस्टिंग करी है वो पानी में गीली होगी और उससे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो निकल कर सीधे रूट्स में, सीधे रूट्स को मिलेंगे और रूट्स उन्हें अपनी भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगे। देखिए मिट्टी काफ़ी अच्छी वेल ड्रेंड है, पूरी मिट्टी पानी जो हम डाल रहे हैं वो नीचे तक आसानी से चला जा रहा है। तो इस प्रकार देखिए हमने इसमें कर दिए, और इसको कम से कम दिन में 6 घंटे की धूप दिखाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इतनी धूप नहीं दे रहे हैं इसे तो आपको इसमें फ्लॉरिंग अच्छी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।